हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजे व्लॉग। आज हम आपके लिए बाजरे के वड़े की रेसिपी लेके आए हैं। आपने बाजरे के वड़े को फ्राई करके तो बनाया ही होगा, पर आज हमने बिना तेल के वड़े बनाए हैं जो खाने में भी हेल्दी है। तो आपके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आए हैं। चलो तो अब हम बाजरा वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 2 कप बाजरे का आटा लिया है, 1/2 कप गेहूँ का आटा डालेंगे, 1 कप पालक डालेंगे कटी हुई, 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक की पेस्ट डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। दही में पानी मिला के इस तरह से बटर मिल्क बनाया है और इस बटर मिल्क की मदद से हम पूरा आटा थोड़ा बटर मिल्क डालेंगे और आटा गूंद लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क डाल के आटा गूंदना है और हमने इसमें पालक डाला है। आप इसकी जगह मेथी का भी यूज़ कर सकते हो और मेथी और पालक के बिना भी बना सकते हो। ये डफ ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, इतना टाइट रखना है। इसको अब हम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आज हम बाजरे के वड़े को डीप फ्राई नहीं करेंगे, पर सेहत को ध्यान में रखते हुए बिना तेल के ओवन में ग्रिल करेंगे। तो हमने ओवन को 5 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब हम ओवन की प्लेट में वड़े को ग्रिल करने के लिए रख देंगे। इसको हम 180 डिग्री पर ग्रिल करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे दोबारा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप सेलो फ्राई भी कर सकते हो। हमने एक पैन लिया है, इसको हम गरम करने के लिए रख देंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको हम ग्रीस कर लेंगे। और बाद में हम रेडी किए हुए वड़े डाल देंगे। मिनट के बाद अब हम इसको दूसरी साइड पर ग्रिल करने के लिए रख देंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे ये अच्छे से ग्रिल हो गया है। अब वड़े को दूसरी साइड पर फ्राई कर देंगे। हमने तेल एकदम कम ही लिया है। ये वड़े हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे ये वड़े रेडी हो गए हैं, अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे बाजरे के वड़े सर्व करने के लिए रेडी है। ये आप सुबह चाय के साथ ले सकते हो। ये खाने में भी एकदम क्रिस्पी है और आप ये वड़े को 4 से 5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।